न्यूमेरिकल एनालिसिस में एक क्वेश्चन बहुत बार आता है जिसमें होता है एग्जैक्ट वर्ड, ठीक है, या फिर एक्यूरेट, ठीक है। जैसे मैंने बोल दिया आपको कुछ कि मान लीजिए एक लाइन मैंने ए ले लिया और इसके पहले मतलब ऐसे कुछ लाइन ले लिया, तो बोल देंगे ए लाइन लगभग लगभग इस लाइन के, मतलब इसको मैंने L1 नाम दे दिया, इसको कुछ L2 नाम दे दिया, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे दोनों लाइन है, तो इसी टाइप से अगर आगे बढ़ते गए तो हम बोलेंगे कि लगभग लगभग एग्जैक्ट है या फिर एक्यूरेट है या लगभग लगभग सेम है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको न्यूमेरिकल एनालिसिस में बहुत आते हैं, उसमें कुछ हिंट दिया रहेगा, आप इस वर्ड का देखिएगा, या फिर लिखा रहेगा कि एग्जैक्ट फॉर सम कंडीशन दिया रहेगा। तो मैं एक क्वेश्चन आपको लिखता हूँ, शायद उस क्वेश्चन से ज़्यादा क्लियर हो जाए। क्वेश्चन आपका है कि मान लीजिए क्वेश्चन मैंने लिया, लेट ए बी बिलोंग्स टू आर, हमारे पास कोई भी रियल नंबर है, ए बी कोई रियल नंबर है, सच दैट, कैसा है, सच दैट द क्वाड्रेचर फॉर्मूला, ठीक है, ए डी, सॉरी थोड़ा सा राइटिंग, सच दैट द क्वाड्रेचर फॉर्मूला या क्वाड्रेचर रूल कह लीजिए या जो भी दिया हो, क्वाड्रेचर फॉर्मूला क्या होता है आपका, यहाँ पे कुछ माइनस ए से दिया रहता है, तो मैं डायरेक्टली जो क्वेश्चन आस्क्ड है मैं उसी क्वेश्चन को ले रहा हूँ। ए आपका हो गया एफ एक्स डी एक्स, इस टाइप से मैंने नोट डाउन दे दिया, इसको इस टाइप सिमिलर कर दिया, मतलब ऑलमोस्ट लगभग, इसका मतलब एग्जैक्ट नहीं हुआ लेकिन लगभग लगभग, जैसे मैंने दोनों लाइन आपको ड्रा करके दिखाया था, इस टाइप से ले लिया, प्लस कुछ ले लिया बी, ए रियल ऐसा है कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है आपके एग्जाम के लिए, सी टाइम्स एफ डैश वन, ठीक है, ए दे दिया। अब देखिए लेट हमारे पास ए भी कोई रियल नंबर है, एंड ए बोल रहा है कि ए इस टाइप का है, सजेट जो ए फॉर्मूला है इज एग्जैक्ट फॉर, इसको लिख लीजिए इज एग्जैक्ट फॉर ऑल पॉलीनोमियल, ठीक है, फॉर ऑल पॉलीनोमियल ऑफ डिग्री, कुछ डिग्री होगा, ऑफ डिग्री लेस देन और इक्वल टू टू, ओके। ये कह रहा है कि ए भी हमारे पास इस टाइप का रियल नंबर है, सच दैट हमें जो एक क्वाड्रेचर फॉर्मूला दिया गया है, सॉरी ये वाला, जो भी आप दो डिग्री से छोटे पॉलीनोमियल लेंगे उनके लिए लगभग एग्जैक्ट है, लगभग नहीं, यहाँ पे एग्जैक्ट है, यहाँ पे सिमिलर का दिया, सेम का दिया है कि लगभग सेम होगा, लेकिन अगर इस एफ एक्स को आप लोग टू डिग्री से लेस देन इक्वल टू का पॉलीनोमियल लेते हैं तो ये एग्जैक्ट देगा। तो क्वेश्चन यहाँ पे राइज होता है, क्वेश्चन होगा आपका देन, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे दो वेरिएबल है ना, तो मैं यही सॉरी यहाँ पे तीन है, अच्छा, तो यहाँ पे इसका मतलब मैं लिखना भूल गया, सी वी होगा, तो देन मान लो ए पूछ सकता है कि ए क्या होगा, या फिर बी पूछ सकता है कि बी क्या होगा, या फिर सी पूछ सकता है क्या होगा, इसी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, या फिर मान लो पूछ देगा कि ए प्लस बी प्लस सी क्या होगा, या फिर पूछ देगा ए माइनस बी प्लस समथिंग समथिंग, कुछ भी, मतलब आपको कंक्लूजन ये है कि इस ए को कैलकुलेट करना है, बी को कैलकुलेट करना है, सी को कैलकुलेट करना है, इस टाइप के क्वेश्चन में इन्हीं ए बी सी में कुछ उलझा के रख देता है जिसको हमें सोल्व करके फाइंड आउट करना होता है। इस टाइप के क्वेश्चंस का कंसेप्ट क्या है, ठीक है, मेथड क्या है, ट्रिक क्या है, जिससे हम इस टाइप के क्वेश्चन को डायरेक्टली सोल्व करेंगे। अब आपके सामने एज्यूम करिए कि यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ गया, ठीक है, ठीक है, रियल नंबर दिया, क्वाड्रेचर फॉर्मूला, नहीं नहीं एग्जैक्ट, ये आपका यहाँ पे कीवर्ड है, एक्यूरेट दिया रहेगा, एग्जैक्ट दिया रहेगा, सेम दिया रहेगा, कुछ ऐसा कीवर्ड होगा जिससे आप डायरेक्टली आइडेंटिफाई कर देंगे। तो इसमें आप क्या करेंगे, इसके लिए जो आपका ट्रिक या नोट कर लीजिए है कि आप शुरुआत करेंगे, यहाँ पे पॉलीनोमियल का काम कौन कर रहा है, एफ एक्स कर रहा है, तो आप लीस्ट डिग्री के पॉलीनोमियल से शुरू करिए, सबसे लीस्ट डिग्री का पॉलीनोमियल कौन होगा, कॉन्स्टेंट होगा, जीरो डिग्री का पॉलीनोमियल, तो उसके लिए कुछ हम लोग सी ले लेंगे, फिर आप एक डिग्री के लिए सबसे छोटा पॉलीनोमियल लीजिए, एक डिग्री का सबसे छोटा पॉलीनोमियल हो गया, फिर एक कहाँ दो डिग्री तक है ना, दो डिग्री का ले लीजिए एक्स स्क्वायर, ठीक है, यहाँ तक एग्जैक्ट दे रहा है ना, ठीक है, इनको क्या करिए इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए, इक्वेशन नंबर वन में, और आपको देखेंगे कि यहाँ पे हमारे तीन वेरिएबल हो गया, इन तीनों को पुट करेंगे तो हमें तीन बार इक्वेशन मिलेगा, और तीन वेरिएबल है मतलब हमारा कुछ ना कुछ सोल्यूशन मिल जाएगा, ओके। अब सी की जगह आप सी ना लेके सबसे छोटा जिससे कैलकुलेशन एकदम आसान हो वन ले लीजिए, ठीक है, क्योंकि आपके इसमें कहीं भी रिस्ट्रिक्शन नहीं मेंशन है कि आपको वन नहीं लेना है, आप कुछ भी लेने के लिए स्वतंत्र हैं,
कहां तक ले सकते हैं? अप टू मैक्सिमम डिग्री टू, क्योंकि यहां तक ही एग्जैक्ट देगा, इसके बाद एग्जैक्ट नहीं देगा, शायद कुछ और भी हो सकता है, उससे मतलब नहीं है। जहां तक ये बात कर रहा है इस कंडीशन पर हमें ध्यान देना है। चलिए तो मैं पहला कंडीशन लेता हूँ कि जब एफ एक्स बराबर वन होगा तो हमारे पास क्या होगा। एज्यूम करिए इसमें कोई ऑप्शन दिया ही नहीं है, आपको ए बी सी तीनों फाइंड आउट करने को दे दिया, ठीक है, या फिर ए प्लस बी प्लस सी स्टेप पर दे दिया। तो अगर एफ एक्स इक्वल टू मैं वन लूंगा तो वन इक्वेशन नंबर वन क्या इंप्लाई करेगा, इधर तो हो जाएगा इंटीग्रेशन माइनस वन टू वन, ठीक है, डी एक्स। अभी एग्जैक्ट है तो यहाँ पे इसके जगह हम लोग इक्वल ले लेंगे, यहाँ पे ए टाइम। अब एक कॉन्स्टेंट फंक्शन है तो आप चाहे एफ माइनस वन लो चाहे कुछ भी लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ए वन हो जाएगा प्लस। अब जीरो पे भी फंक्शन वन ही देगा तो ए वन हो जाएगा, और इसका यहाँ पे डेरिवेटिव हो रहा है तो डेरिवेटिव क्या होगा इसका, जीरो हो जाएगा, तो प्लस सी टाइम्स जीरो। ओके, इसको आप सोल्व करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, इसका हो जाएगा एक्स वन, यानी मुझे लग रहा है लेफ्ट में टू हो जाएगा और इधर हो जाएगा ए प्लस बी। तो आपके पास एक इक्वेशन आ गया, ए प्लस बी इक्वल टू टू। तो यहाँ तक हमें एक रिलेशन पता चलेगा, ठीक है। अगर मान लीजिए आपको गेट में बहुत बार ऐसा होता है कि डायरेक्टली हमारा क्वेश्चन ये एज्यूम कर लीजिए आपको ए प्लस बी ही पूछता, आप डायरेक्टली टू मार के निकल लेते, ज़्यादा इसे पीएचडी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन इससे भी आगे मान लीजिए हमें ए बी सी कुछ इंडिविजुअल पूछ दिया तो उसके लिए फिर से हम आगे वर्क करेंगे, ठीक है। तो इसको मैं अभी मिटा देता हूँ। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं। ओके, नेक्स्ट अब मैंने ले लिया आपको, अब सेकेंड चूज करिए आप। अगर आपने एफ एक्स इक्वल टू एक्स ले लिया तो वन क्या इंप्लाई करेगा, डायरेक्टली इंटीग्रेशन आप निकाल लेते हैं, हमारा इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स माइनस वन से वन डी एक्स, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू, इधर होगा माइनस वन, ये मुझे लग रहा है इधर जीरो दे देगा इक्वल टू, ठीक है। आप लोग कैलकुलेशन चेक करते जाइएगा, मे भी गलत हो सकता है मेरा कैलकुलेशन, ठीक है, मेथोडोलॉजी वही है। तो ये जीरो हो गया, इधर एग्जैक्ट वैल्यू आ गया। अब एक्स रखे हैं तो ए टाइम, और एक्स एफ एक्स इक्वल टू एक्स है तो माइनस वन पे क्या देगा, माइनस वन। ओके, प्लस जीरो पे क्या देगा, जीरो है तो जीरो पे जीरो दे देगा हमारा, तो बी इंटू जीरो हो जाएगा, प्लस उसका डेरिवेटिव एफ एक्स इक्वल टू एक्स है तो डेरिवेटिव प्लस वन हो जाएगा, सो सी टाइम्स वन हो जाएगा। तो यहाँ से एक रिलेशन हमारे पास आ गया कि ए इक्वल टू सी। किसी को समझने में दिक्कत होगा तो आप यहाँ देख सकते हैं, ये माइनस है प्लस जीरो प्लस सी इक्वल टू जीरो है, सो ए इक्वल टू सी आ गया। ओके, अब नेक्स्ट आप ये रखिए क्योंकि अभी भी हमारे पास नहीं निकाल सकते, अभी भी हमें आगे बढ़ना होगा। ओके, एफ एक्स इक्वल टू आप एक्स स्क्वायर पुट करिए, ठीक है। तो वन क्या इंप्लाई करेगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर डी एक्स, दे देगा आपको एक्स क्यू बाई थ्री माइनस वन टू दी वन, यानी ये टू बाई थ्री दे देगा मुझे जो लगता है, ठीक है। कैलकुलेशन आप लोग अपना करते रहिएगा, मेरा कैलकुलेशन नहीं देखना है आपको। अब यहाँ पे मैंने रख दिया एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे ए इंटू, अब एफ माइनस वन पे क्या दे देगा, हमने एक्स स्क्वायर लिया था प्लस वन दे देगा। ओके, फिर प्लस बी है, जीरो पे क्या दे देगा हमारा, जीरो दे देगा, फिर सी है, डेरिवेटिव क्या होगा इसका, टू एक्स हो जाएगा, और वन पे क्या दे देगा, टू दे देगा, ठीक है। तो यहाँ से भी एक रिलेशन आ गया, टू बाई थ्री इक्वल टू ए प्लस टू सी। अच्छा, इस थर्ड से देखिए एक जगह सी ले लीजिए, ठीक है, सो बाई थ्री क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे थ्री पे इक्वेशन में फोर में यूज कर लीजिए, तो फोर में यूज करेंगे तो हो जाएगा आपके पास टू बाई थ्री इक्वल टू थ्री सी, इम्प्लाई करता है सी इज इक्वल टू टू बाई नाइन। सबका इतना आया कैलकुलेशन, इसी में टाइम ले रहा हूँ, बाकी इस टाइप के क्वेश्चन में मैं टाइम नहीं लूंगा, ठीक है, वो आपको करना होगा। इसीलिए किसी को इस टाइप के क्वेश्चन में समझने में दिक्कत हो रहा है तो अभी वो पूछ सकता है। सी इज इक्वल टू हमारे पास आ गया टू बाई नाइन, तो सी इज इक्वल टू टू बाई नाइन हो गया, और यहाँ पे इक्वल है तो इसका मतलब ए बराबर भी टू बाई नाइन हो जाएगा, क्लियर, ठीक है। इक्वेशन टू से देखिए, बाई टू क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू तो हमारे पास टू बाई नाइन था, तो इसमें रखेंगे तो टू इक्वल टू हो जाएगा टू बाई नाइन प्लस बी, सो बी इक्वल टू हो जाएगा अठारह में से दो गया सो सिक्सटीन बाई नाइन, ऐसे आएगा क्या, ठीक है। तो अब आपने यहाँ से तीनों चीजें कैलकुलेट कर ली, आपके पास अब जो आ गया ए बी सी सब कुछ आ गया, क्या आया, ए इक्वल टू सी इक्वल टू आ गया टू बाई नाइन, एंड बी इक्वल टू ए आपका कंक्लूजन हो गया।
अब आपसे चाहे ए प्लस बी प्लस सी पूछे, चाहे ए पूछे, चाहे बी पूछे, चाहे सी पूछे, ठीक है? आप हर तरह के क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। एक क्वेश्चन पूछा हुआ है आपका लेटेस्ट गेट जो जस्ट बीता था 2020 का क्वेश्चन है, ठीक है? आप देख रहे होंगे इसमें कुछ भी नहीं करना है, ठीक है? ठीक है, तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ। और लास्ट टेस्ट एग्जामिनेशन आपका, इसका स्क्रीन को मैं क्लियर कर दे रहा हूँ, मैं क्वेश्चन आपको डिस्प्ले करता हूँ। क्वेश्चन लेटेस्ट 19 दिसंबर किधर गया, 19 दिसंबर का क्वेश्चन करते हैं। इसी टाइप का जो हमने अभी कंसेप्ट सीखा, यही कंसेप्ट आपको यूज करना है। मिल गया क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, आप ये वाला क्वेश्चन देखिए, ऊपर कुछ नहीं है ना, कुछ नहीं। इस क्वेश्चन को देखें, सबको स्क्रीन क्लियरली, स्क्रीन पर क्लियरली विजिबल होगा क्वेश्चन। आपको क्या कह रहा है यहाँ पे, जो हमने पढ़ा वैसे ही है क्या? एक क्वेश्चन, क्वेश्चन में कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ अल्फा ए बी सी फॉर विच द क्वाड्रेचर फॉर्मूला। अभी भी हमने क्वाड्रेचर फॉर्मूला किया था, यहाँ से फिर से वही चीज मिल गया। इज एग्जैक्ट फॉर, हमने भी यही किया था, हाईएस्ट पॉसिबल डिग्री, ठीक है? अब जो मेथड जैसे जितना आपने सीखा उसको अप्लाई करिए और यहाँ पे क्विकली आंसर करने की कोशिश करिए, ठीक है? आपने जो कंसेप्ट अभी पढ़ा उसको अप्लाई करिए और उसी के हेल्प से बनेगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है? कोई भी अलग से थ्योरी जानने की जरूरत नहीं है। न्यूमेरिकल एनालिसिस क्या है, आप एक 10th क्लास के 12th क्लास के बच्चे को भी समझा दो कि ऐसे ऐसे करना है तो कर देगा, उसी टाइप के क्वेश्चन है। जहाँ पे ज़्यादा थ्योरी की जरूरत आएगी हम लोग थ्योरी करेंगे, लेकिन जब तक थ्योरी की जरूरत नहीं है हमें थ्योरी करने की कोई वो नहीं रख सकता है। अब इसको क्विकली सॉल्व करें सभी लोग। तो यहाँ पे आपने स्टार्ट किया होगा, एफ एक्स इक्वल टू 1 लिया होगा, फिर एक्स, फिर एक्स स्क्वायर, फिर एक्स क्यूब, जैसा भी हमें जरूरत होगा वैसा हम लेते जाएंगे। स्टार्ट कर रहा हूँ मैं 1 से, ओके। अगर इस इक्वेशन को मैं 1 नाम दे दे रहा हूँ, ठीक है सर, इस क्वेश्चन का आंसर कर बताएंगे आप, छोड़ दीजिए हम लोग बना लेंगे। चलिए बहुत बढ़िया, तो मैं छोड़ दूँ कल के लिए क्या? क्योंकि इंटरेस्टिंग बस क्वेश्चन, एक बार ऑप्शन लिख लेते हैं। आपका क्वेश्चन पेपर आपके पास है, लिखने की भी जरूरत नहीं है। क्वेश्चन है 2019 दिसंबर का लेटेस्ट एग्जामिनेशन वाला है। ओके ओके, तो क्वेश्चन पेपर का मैंने भेजा ही था, फिर भी अगर दिक्कत हो तो आप, मैंने ग्रुप में शेयर किया ही है, अलग से करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है? तो ऐसे एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं जिसमें कुछ ना कुछ, ये था आपके इसका, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 आप लोग एक बार देखिए, देख रहे हो कितना है? अभी वो 19 दिसंबर में कब क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये 19 जून का है, गेट में पूछा हुआ है। तो आप यहाँ से एक अंदाजा तो लगा सकते हैं कि क्वेश्चन आपको, आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है? जिसमें क्या कर रहा है, आपको ए बी सी अल्फा इस टाइप का कुछ दे दे रहा है, एक फार्मूला दे दे रहा है और बोल रहा है कि कुछ समथिंग के लिए एग्जैक्ट इस टाइप से कुछ होगा, एंड फिर पूछ रहा है कि इसके वैल्यू क्या होंगे, ठीक है? तो आपको एक कंसेप्ट समझना है। एक क्वेश्चन हालांकि उससे रिलेटेड नहीं है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि जब हमने वो कंसेप्ट पढ़ा तो एक बार उसको ही हेल्प से इसको करने की कोशिश करें, ठीक है? क्वेश्चन क्या क्या था, वैल्यू ऑफ ए बी सी, वहाँ भी ए बी सी था, ठीक है? द वैल्यू ऑफ ए बी सी सो दैट द ट्रंकेशन एरर इन द फॉर्मूला, कोई एक फार्मूला दिया है जिसमें इज मिनिमम, जो एरर होगा वो मिनिमम होगा, ठीक है? ट्रंकेशन एरर मतलब जहाँ से ट्रंकेट कर रहा है, ओके, टर्मिनोलॉजी पे नहीं जाना है। अच्छा, एक चीज जो हमने कंसेप्ट पढ़ा उसको एक बार अप्लाई करके यहाँ पे देखते हैं। एफ एक्स के बारे में कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि एफ एक्स क्या है, तो फिर से वही जो हमने ट्रिक पढ़ा है लगा देते हैं, क्या एफ एक्स बराबर 1 x x² ऐसे रखते जाइए, जब कुछ बोल ही नहीं रहा है तो कुछ भी हो सकता है ना, ठीक है? तो एक बार ये लगा के देखते हैं, अगर बात बन गई तो ठीक है, नहीं बनी तो फिर जो ट्रंकेशन एरर है वो लगाएंगे, क्योंकि ये जो रिजल्ट है ना, एक कंसेप्ट है, मेथोडोलॉजी है जो हम लोग फॉलो कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? एक तीर से कै शिकार वाली बातें हैं, ठीक है? मेनी वन टाइप का नहीं, 1 to many इस टाइप से कर लीजिए, ओके। तो हम लोग 1 रखते हैं डायरेक्टली इस फॉर्मूला को, मैं इक्वेशन 1 नाम दे दे रहा हूँ, और मैं यहाँ पे हिंट लिख दे रहा हूँ कि हम लोग 1 लेते हैं, एक्स लेते हैं, ये थोड़ा सा अलग टाइप का है इसलिए मैं आपको यहाँ करवा दे रहा हूँ। अगर यहाँ पे 1 रखेंगे आप, ठीक है, तो 1 रखेंगे तो ये आपका क्या दे देगा,
यहाँ पे वन रखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस एच टू एच वन डी एक्स, यानी इसका हो जाएगा एक्स, एच का हो जाएगा माइनस एच एच, यानी ये हो जाएगा टू एच लेफ्ट साइड में। क्लियर? कैलकुलेशन आपको अपना करते जाना है, मेरा नहीं देखना है, क्योंकि आपको एग्जाम देना है, मुझे नहीं। आपका कैलकुलेशन एक्यूरेट होना चाहिए। ओके, इधर वन रखेंगे तो किसी में भी वन रख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, डेरिवेटिव वाले में सिर्फ जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका, ओके, यहाँ पे हो जाएगा ए एच, इसका वैल्यू, क्योंकि एफ एच तो वन होगा, यहाँ पे एफ जीरो भी वन रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इधर हो जाएगा प्लस बी एच, ओके, फिर इधर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इधर हो जाएगा फिर से प्लस ए एच, ठीक है, ओके। फिर आगे देखते हैं, ये डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव है, तो अगर हमने एफ इजक्वल टू वन लिया है तो एफ डैश तो जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो इस एक केस, इसके लिए काम खत्म है हमारा। तो यहाँ से कुछ रिलेशन आपको दिख रहा होगा, एक तो बात बनी गया, टू टाइम्स एच इजक्वल टू, एच बाहर ले लेते हैं तो टू ए प्लस बी आ गया, एच एच कट जाएगा। ऑप्शन को साथ में डिस्कार्ड करते जाना, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बिल्कुल ईजी वे में करते जाना। ए बी सी में रिलेशन हम देख लीजिए कि इस रिलेशन को इसमें से कौन कौन सेटिस्फाई करता है, कौन कौन नहीं करता है, फिर आगे काम कैलकुलेशन करते हैं जाएंगे। मैंने क्या बोला, मैं बोला कि अगर सेटिस्फाई कर गया तो आप ये नहीं बोल सकते कि ये ट्रू है, क्योंकि आपको अभी सी फाइंड आउट करना है। मैं तो जस्ट डिस्कार्ड करने के लिए बोला कि इनमें से जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा वो डिस्कार्ड हो जाएगा। सेटिस्फाई कर गया तो आपको ट्रू नहीं बताना है, आगे फर्दर कैलकुलेशन करना है, लेकिन नहीं किया तो हम छांट तो सकते हैं ना, काम तो हमें बाद में भी करना पड़ेगा, तो हम पहले करते जाएँ, ये बात बोला। तो देखिए इसमें ए बी दोनों सेम है, तो पहला सेटिस्फाई कर रहा है, दूसरा सेटिस्फाई कर रहा है, तो अभी हम इस पर कुछ नहीं कर सकते। तो ऑप्शन वन एट मेथोडोलॉजी समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? हाँ, तो अभी वन टू को मैंने रिजर्व कर लिया कि वन टू में मुझे सी फाइंड आउट करना है। ओके, अब इस दोनों में देखिए, तो यहाँ पे देख रहे हैं तो आप, हाँ आंसर जो भी हो, आंसर पे मैं नहीं पहुँचना चाह रहा, मैं मेथोडोलॉजी समझाना चाह रहा हूँ, ताकि जो मेथड हमने पीछे फॉलो किया था सेम मेथड है। देखिए इसमें ट्रंकेशन एरर की बात कर रहा है, लेकिन हमारा बिना एरर का ही आ गया, एरर से कोई मतलब ही नहीं, चाहे मिनिमम हो चाहे मैक्सिमम हो, व्हाट एवर, हम तो जनरल कंसेप्ट से कर लिए इसको। अब इसमें देखिए दोनों में ए बी सेम है, तो यहाँ पे हो जाएगा 14 माइनस 16 बट्टा में 15 नॉट इक्वल टू 2 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ए बी गया, ए बी गया। यहाँ से हम लोग बस इतना ही कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि थर्ड एंड फोर्थ नहीं होगा, इसके बाद क्या होगा वो बाद की बात है, ठीक है। इसका हमें काम पड़ेगा 2a प्लस बी, इसको हम लोग नोट डाउन करके छोड़ दे रहे हैं। अब नेक्स्ट हम लोग है एफ एक्स इक्वल टू एक्स, ठीक है। अब फटाफट आप लोग करिए, एफ एक्स इक्वल टू एक्स लेने पे क्या होगा, क्योंकि मेथड आपने पढ़ा हुआ है, आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। एक्स लीजिए तो इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू और एच स्क्वायर बाई टू माइनस एच स्क्वायर, यानी लेफ्ट साइड तो जीरो हो जाएगा मुझे, जो मुझे लगता है,